सुजीत ने रंजू के नकली पैर की वजह से उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि रंजू के पैर नकली होने की वजह से उसकी गृहस्थी लड़खड़ा जाएगी। बाद में उसने चित्राली से शादी कर ली थी। चित्राली के साथ वह बहुत खुश था, लेकिन एक रात उसे पता चला कि चित्राली बेवफा है और वह माँ बनने की क्षमता खो चुकी है। तो सुजीत को गहरा धक्का लगा, क्योंकि रंजू को तो उसने इसी वजह से छोड़ दिया था क्योंकि उस एक्सीडेंट में वह अपना एक पैर गंवाने के साथ ही माँ बनने की क्षमता खो चुकी थी। अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि रंजू में भले ही थोड़ी कमियां थी, लेकिन कम से कम वह चरित्रहीन नहीं थी। इसी तनाव में जब वह अकेले घर से बाहर कार लेकर निकला तो एक दूसरी कार से बचने के चक्कर में आज खुद सुजीत की कार खाई की ओर बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें बंद थी, आने वाला हर एक पल उसे मौत के करीब लिए जा रहा था। हड़बड़ी में उसने गाड़ी दूसरी ओर घुमाई तो उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। सुजीत के माथे से खून बहने लगा था और वह अपने होश खो बैठा था। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक हॉस्पिटल में था। उसके बदन में भयंकर दर्द हो रहा था। अचानक से उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा, क्योंकि उसकी माँ के साथ चित्राली भी उससे मिलने के लिए आई थी। चित्राली को देखते ही उसने बेरुखी से मुंह फेर लिया। चित्राली भी खामोश हो गई थी। पहले दिन तो सुजीत को कुछ नहीं पता चला, लेकिन सुजीत को दूसरे दिन अपने पैरों की जगह खाली महसूस हुई। उसने चादर हटाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके दोनों पैर नहीं थे। सुजीत चीख चीख कर रोने लगा। डॉक्टर ने आकर उसे संभाला। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया। आज चित्राली नहीं आई थी। सुजीत बस रो ही सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। रंजू का एक पैर नकली था तो उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन आज तो उसके दोनों पैर ही नहीं थे। वक्त ने उसे ऐसी सजा दी थी कि वह सन्न रह गया था। उसने रंजू को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह माँ बनने की क्षमता खो चुकी थी और उसका एक पैर नहीं था। वहीं अब उसकी पत्नी में भी माँ बनने की क्षमता नहीं थी और खुद सुजीत ने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। सुजीत फूट फूट कर रो रहा था और चीख रहा था कि एक मासूम के साथ गलत करने की सजा आज मुझे मिल गई। अपने बेटे को दुखी देखकर उसकी माँ का सिर भी शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर वह भी बहुत तड़प रही थी। सुजीत हॉस्पिटल से घर आ चुका था। चित्राली उसके नाम एक खत छोड़कर जा चुकी थी। उसमें लिखा था, सुजीत मुझे तो वैसे भी तुमसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन अब जबकि तुम अपाहिज हो चुके हो तो मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए इस घर में नहीं रुक सकती। मैं अपने प्रेमी के साथ जा रही हूँ, अब तुम अपना बोझ खुद उठाओ। सुजीत के लिए यह भी एक बहुत गहरा झटका था। आज वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। जिस तरह उसने रंजू को छोड़ दिया था, आज चित्राली भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। सुजीत सोच रहा था कि वह बेवफा चित्राली को समझा बुझा कर मना लेगा कि वह आगे से अपने बॉयफ्रेंड से ना मिले। वह उसकी एक कमी के साथ उसे स्वीकार करेगा, बदले में चित्राली भी उसकी कमी के साथ उसे स्वीकार करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुजीत फूट फूट कर रो पड़ा। अब वह जिंदगी भर के लिए टूट चुका था। इलाज के दौरान एक बार जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो वह रंजू को हॉस्पिटल में देखकर हैरान रह गया। वह अपनी गलती पर पछता तो रहा ही था। उसकी माँ पानी लेने के लिए बाहर गई, तभी व्हील चेयर पर बैठे बैठे उसने रंजू को आवाज लगा दी। रंजू उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई थी। सुजीत ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर देना रंजू, देखो तुम्हारा दिल दुखाने की मैंने कैसी सजा पाई है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे नकली पैर की वजह से तुमसे दूर भाग गया। लेकिन अब मैं तुमसे शादी करके अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मेरे जीवन में दोबारा आओगी? रंजू की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुमने उस वक्त जिस तरह मेरा दिल दुखाया, उसके बाद मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैंने तुम्हें कभी कोई बद्दुआ नहीं दी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे डांस करने का कितना शौक था। मैंने अपने नकली पैर के सहारे ही डांस करना फिर से शुरू किया। एक डांस कॉम्पिटिशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। उसी समय मुझे तुषार ने देखा और तुषार मुझे पसंद करने लगा। महीने भर के बाद ही तुषार अपने माता पिता के साथ मेरे लिए रिश्ता लेकर आया। मैंने तो उन लोगों से साफ साफ कह दिया कि मेरा एक पैर नकली है और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऊपर से उस एक्सीडेंट में मैं माँ बनने की क्षमता भी खो चुकी हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में भी उन लोगों को सब बता दिया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ठुकराए जाने के बाद मैं सोचती थी कि कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। लेकिन तुषार ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और उसने जिंदगी भर मेरा साथ देने का वादा किया। मैं भी बहुत खुश हुई थी कि कोई इंसान मेरी इस कमी को जानने के बावजूद साथ देना चाहता है। और फिर मेरी शादी तुषार से हो गई। वह इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है और आज भी मैं उसी से मिलने के लिए आई हूँ। तभी डॉक्टर तुषार ने आकर रंजू के कंधे को थामते हुए कहा, क्या हुआ रंजू, कोई पुराना दोस्त मिल गया क्या? रंजू ने तुषार की आंखों में झांकते हुए कहा, दोस्त नहीं है, यह सुजीत है। तुषार ने उड़ती हुई सी नजर से सुजीत को देखा और रंजू का हाथ थाम कर कहने लगा, अच्छा सुजीत, अभी हम जल्दी में हैं। चलो रंजू, हम मूवी जाने के लिए देर हो रहे हैं ना। रंजू मुस्कुरा कर उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ चली और सुजीत किसी हारे हुए जुआरी की तरह धीरे धीरे उसे अपनी नजरों से ओझल होते हुए देखता रह गया।
रंजू की जिंदगी में आज हर खुशी थी, लेकिन सुजीत आज खुशियों के लिए छटपटा कर रह गया था। दोस्तों, किसी का दिल दुखाने के बाद थोड़े समय के लिए सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ऐसे इंसान को कभी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। और नई कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।